Yeah, this is Mukesh. Yeah, I'm in Studio 53 Studio. So basically, ये song रजनीश रॉय ने लिखा है और जिसका composition रजनीश ने और मैंने खुद ने compose किया है. And उसको overall हमने पंजाबी version में, kind of पंजाबी tone में हमने उसको set किया है. And beautifully music given by Jimmy Shah और उनको mix किया काफी अच्छा Samarth Jhanve और technically पूरा जिन्होंने हमको handle किया है Hamza Daginawala. And उन्होंने भी काफी अपनी मेहनत दी उसमें and उसको design किया उसको like पूरा एक जो potential है जो आने वाला है बार क्या feels आएगा क्या design करके आने वाला है Hamza भाई और Samarth भाई जिन्होंने इसको बहुत तरीके से design करके उसको output देना चाहे. And basically इस song को मैंने गाया है और बहुत like 4-5 महीने हो गए मैं इसको लेके बैठा हूँ और finally हम इस song को एक carry forward कर रहे हैं. मैंने ये song सुना था I think 3-4 months back जब मुकेश लेके आया था मेरे पास. तो मतलब मैंने जो पहले उसको बोला था कि भाई बहुत अच्छे vibes आ रहे हैं superb romantic song है और तभी भी उसको बोला था कि song chartbuster full potential है hit होने के लिए अगर ये अच्छी direction में जा रहा है. इसी जर्नी में इसी प्लेटफॉर्म पे मुझसे टकराए हैं मुकेश चौधरी. सो उनका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा है उनके सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगे. हम लोगों ने एक दूसरे से मिले और बात की उसके बाद हमें पता चला कि उनका ही कोई न्यू सॉन्ग उनको करना है जिसके लिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है. उस ड्रीम प्रोजेक्ट को जब उन्होंने मुझे स्टोरीज बताई जब उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उनको सामने से कहा कि मुझे आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में इस ड्रीम प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है. सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा मुकेश भाई ने बहुत ही अच्छा वोकल का रेंडरिंग दिया है और एक बैलेट टाइप का गाना है ये सॉफ्ट सा गाना है रोमांटिक गाना है. तो जिस तरह गाने का फील है मुकेश भाई ने एक एक शब्द उसको इस तरह से गाया है कि एक शब्द आपको फील होता है गाने में. एंड रियली आज हम उसकी रिकॉर्डिंग सुन के इतने खुश हैं इतना सुपर्ब लग रहा है ऐसे लग रहा है मैं मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ. मैंने जो जर्नी सोची थी मैंने जो एल्बम सॉन्ग मेरे लिए सोचा था दिस इज द परफेक्ट सॉन्ग. वैसे ये गाना मैंने मिक्स मास्टर किया है और बहुत छोटा सा पार्ट इसमें मेरा प्रोडक्शन का भी है. आप गाना सुनेंगे आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना आपके अंदर एक गाना सुन के रोमेंस डेवलप होता है. और गाना मिक्स करते हुए मेरा पर्सनल जो है कि मैंने बहुत बार गाना ये सुन लिया तो बहुत कुछ अलग अलग चैलेंजेस थे. काफ़ी बार मेरा मुकेश भाई से सूरत में हमारे जो स्टूडियो 53 के हमसा भाई हैं उनसे काफ़ी कुछ डिस्कशंस हुए कुछ चेंजेस हुए तो बहुत ही मज़ा आया. दिस लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडियोज इन गुजरात. वी हैव ऑल द जैसे आप देख सकते हैं एनालॉग इक्विपमेंट्स है बहुत कम स्टूडियोज के अंदर ये होते हैं. And this is designed by consultants. मतलब यहाँ पे पूरा calibrate होके सब everything जो technical जो खामियाँ होती है वो यहाँ पे normally नहीं है जिसके हिसाब से result आपका अच्छा आता है. We hope ये गाना बहुत अच्छा चलेगा. And hopefully with all the artists and all the engineers and all the teams that is working behind this song बहुत अच्छे direction में जा रहा है. And hoping for the best. So let's see क्या अभी song सुना है हमने हम आगे work करने वाले मुकेश please come join us. So we are working together और देखते हैं हमारी chemistry आप लोगों को कैसी लगती है और सबसे बड़ी बात हमारा song आपको कैसा लगता है. So let's see hope for the best finger cross. Thank you so much. रांझणा वे वेखे आजो तेनु पहली बार वे डुब गईया ये रूह डुब गईया तुझ में सैया ये रूह डुब गईया.